मुरादाबाद जनपद के नगर पंचायत अगवानपुर में कन्हैया गौशाला में उपस्थित पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए ग्राम समाज की जमीन को किसानों से तहसील टीम द्वारा कब्जा मुक्त कराया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए चकबंदी लेखपाल ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर गौशाला में उपस्थित पशुओं के लिए चारा उगाने के लिए नगर पंचायत अगवानपुर के एतमाली जंगल में 116 बीघा जमीन ग्राम समाज की नगर पंचायत को देनी है, जिसमें कुछ जमीन किसानों के कब्जे में थी। जिलाधिकारी के आदेश पर तहसील की टीम ने किसानों से जमीन को कब्जा मुक्त कराया। अधिशासी अधिकारी अगवानपुर पवित्रा त्रिपाठी ने तहसील की टीम को बुलाकर पुलिस की मौजूदगी में कब्जा मुक्त कराया। नायब तहसीलदार अधिशासी अधिकारी ने क्षेत्रीय पुलिस के साथ जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराया और जेसीबी और ट्रैक्टरों से जुताई कराकर सारी जमीन को अपने कब्जे में लिया, जिसमें कुछ जमीन किसानों के बैनामे की थी, कुछ किसानों के पट्टे की थी, जिसमें किसानों ने काफी लागत लगाकर गन्ना, पशुओं का चारा, सब्जी की खेती कर रखी थी, जो तहसील की टीम द्वारा ट्रैक्टर से सबकी जुताई कराकर नगर पंचायत के एक कब्जे में कर ली गई। इस दौरान किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि ये जमीन हमने खरीदी थी, कुछ हमारे पट्टे में थी, जो चकबंदी द्वारा हमें चक काट दिए गए थे, लेकिन आज तहसील की टीम ने बिना नोटिस दिए हमारे खेत पर कब्जा कर लिया, जिसको लेकर किसानों में रोष है। प्रशासनिक विभाग की टीम ने कहा है कि ये सरकारी संपत्ति थी और इस पर आज कार्रवाई कर कब्जा मुक्त कराया गया है। किसानों का कहना है कि जमीन हमारी है और इसका बैनामा भी हमारे पास है। समस्या यह है, 1971 में पट्टे दिए गए थे गार्डबो को, 1971 से ये काबिज हैं और अपने जोतते बोते चले आ रहे हैं, और आज वो ज़मीन निकाली जा रही है, बोले ये ग्राम समाज हैं और चकबंदी में चक भी बना दिए गए हैं, काट दिए गए इनके सब किसानों के, आज वो इन पर कब्जा कराया जा रहा है ज़बरदस्ती। आपसे कब्जा लेने के लिए कौन कौन अधिकारी है? SDM हैं, तहसीलदार हैं, पटवारी और लेखपाल हैं, खानी गोए साहब हैं, ये सब लोग हैं, पूरी टीम है। कब्जा छुड़ा रहा है? बोले ये ग्राम समाज ज़मीन है, ये आपकी नहीं है, पहले चक बना दिए चकबंदी में। पट्टा कब दिया था आपको? 71 में, 1971 में। जब से अभी का कब्जा? जब से हमारे कब्जा और हम ही जोत बो रहे हैं इसको। क्या मामला है? ये हमने 2007 में जमीन खरीदी थी, बेनामा ये है, और चकबंदी में हमारा चक भी कट गया और चक को अब छीन लिया गया, पहले दे दिया। कितनी जमीन थी? 10 बीघी जमीन है। किससे खरीदी थी, कब खरीदी थी? 2007 में खरीदी थी, जुमिया नाम है उनको, वल्दियत हमीदुल्ला है उनकी, उनसे खरीदी। अब किसने जुतवाई है, किसने कब्जा करा? अब तो ये सरकारी कब्जा कर रही है। क्या कह के कब्जा करा? ये सरकारी जमीन है। पहले जब चक काटा था तो? पहले चक काट दिया, अब नुकसान सरकारी जमीन है। तो इसमें आपने शिकायत की किस अधिकारी से? शिकायत मुकदमे चल रहा है हमारा हाई कोर्ट में भी। क्या आश्वासन दे रहे हैं? अब तो ये गांव खाली करने को गन्ना खड़ा है, गन्ने को गांव खाली कर दो, 8 दिन का टाइम देगा।